प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को और इसके लिए मैं कॉलोनी के सभी वरिष्ठ सम्माननीय सदस्यगण और महिलाएं बच्चे आएंगे और आके सभी लोग कुछ अर्पित करेंगे और इसी कड़ी में हमारे बीच आए हुए वरिष्ठ फोटो ले सके ग्रुप मल्ले डॉक्टर भाई ठीक हो गए ना, तालियां बजाओ। फोटो खींच लो ठीक है। सभी से विनम्र निवेदन है करते जाओ और आते जाओ बेटू। हाँ एक बार ना सब लोग ग्रुप में ऐसे इधर फेस कर लो तो बेडरूम भी बनने दो है ना। थोड़ा रुक जा थोड़ा ऐसे साइड देंगे तो दिखेगा ना, पिक्चर नहीं दिख रहा है। अरे फोटो लेना, मोबाइल का रखा है। चलो हो गया, चलो अब जाओ जाओ। अरे मैं वीडियो बनने की दिमाग कर फोटो भी खींचते युवा कार्मिक खड़े हो जाइए सभी। बोलिए बाबा साहब अम्बेडकर की जय। बाबा साहब अम्बेडकर की जय। मैं इसको पकड़ू कैसे देख सकूँ तो कैसे बढ़ रही है और आप सभी से अनुरोध है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जय जयकारा मेरे साथ लगाएंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जय। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जय। जय भीम जय भीम जय भीम जय जय भीम जय जय भीम जय जय भीम जय जय भीम। बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ हम यहाँ एकत्रित हुए हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस को मनाने के लिए। तो हम उनके जन्म दिवस के साथ आज ये प्रण लें कि उन्होंने जो हमें अधिकार दिया है, शिक्षा का अधिकार दिया है, मतदान का अधिकार दिया है, कलम चलाने का अधिकार दिया है, उस अधिकार की मान को रखेंगे और हमारे जो बीज रूपी फूल रूपी बच्चे हैं उनको जागरूक करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद की आप सभी को हार्दिक बधाई। मैं आज बात करने जा रही हूँ वे महापुरुष महामानव युग परिवर्तन बाबा साहेब की, जिनका जन्म भारत मध्य प्रदेश के मऊ में 14 अप्रैल 1891 में हुआ, जिनके पिता का नाम स्वशुद अपने चरम सीमा पर था। फिर भी बाबा साहेब ने उन विकट परिस्थितियों में पढ़ा लिखा और महान बना। दिवस की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। तो एक बार फिर से जय जयकारा लगाएंगे।
जय जय भीम। आवाज नहीं आई। जय भीम। जय जय भीम। तो नन्ही परी स्मृति ने यहाँ पर उनके जीवन का संक्षिप्त परिचय दिया। मैं दोबारा उन्हें रिपीट नहीं करूंगी। मैं थोड़ा सा संविधान के क्षेत्र में जाना चाहूंगी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी 14 अप्रैल 1891 में हमारे बीच आए और उन्होंने ऐसा इतिहास रचा कि आज हम उनको महामानव के रूप में जानते हैं और उन्हीं की देन है कि आज हम यहाँ खड़े होकर उनके जन्म दिवस को मना रहे हैं और अपने अधिकार के लिए खड़े हुए हैं और एक वक्त के साथ जीवन जी पा रहे हैं। इसलिए ऐसे महामानव को मेरा सत सत नमन। जिन्हें आज हम संविधान के निर्माता या वास्तुकार के रूप में जानते हैं, जिन्होंने संविधान देकर पूरे भारतवासी के जीवन को ही बदल दिया, पूरे इतिहास को उन्होंने बदल दिया। और हम सब जानते हैं